बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। दिलदार राजपूत आपकी खिदमत में हाजिर है। आज हम आए हैं गांव मारत में, ज़िला चकवाल का ये गांव M2 मोटरवे के बिल्कुल नज़दीक है, साथ में जो है वो M2 मोटरवे है। और इस गांव में हम किस लिए हाजिर हुए हैं, वो इसलिए कि यहां पे हमारे बहुत ही अजीज़ चाचा हैं, चाचा राजा अकरम साहब, वो बैलों की वजह से मशहूर है। मेरे पीछे आप बैल देख भी सकते हैं कि कितने बैल बंधे हुए हैं और किस तरह माशाल्लाह खूबसूरत दांत बंधे हुए हैं। तो हम चाचा राजा अकरम से एक बैठक लगाएंगे, उनसे गपशप लगाएंगे कि हुण असीं मौजूद हैं जी चाचा राजा अकरम साहब नाल, इन्हां नाल गपशप लैणे आ भई इन्हां दांदां दा शौक किकुण पैदा होया, कित्थों पैदा होया, इन्हां कित्थों दांद आंदे न, किस तरीके नाल इन्हां दांदां दी खुराक, सारा कुछ इन्हां को पता कर सां। ते अस्सलाम वालेकुम चाचा जी। वालेकुम अस्सलाम जी। सब तो पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया तुसां रमज़ान विच असां टाइम दित्या, ईद जिम्मेदारां दे बड़े मसरूफ जे दिहाड़े होंदे न, तुस असां टाइम दित्ता, इस वास्ते असीं तुहाडे बहुत शुक्रगुजार हाँ। इह दांद जिहड़ा बादशाह ना ये बगवाल तो मैं फैसलाबाद लैके गया। अच्छा, फैसलाबाद जनाब मेरे किसी बंदे नाल मतलब है गल हो गई। सही है। मैं शौक नाल वदना दे वापस वापस ले आए। अमीन नंबरदार है उदू दे के आया, उसको फिर वापस ले आया। वाह जी वाह, उत्थे दान दे के दोबारा इतना सवा पसंद है भी वापस ले आया। वापस ले आया। वाह जी वाह। ते ई दान रखने दा शौक सवा कितों पैदा होया? दान दा शौक इस तरह पैदा होया, मतलब है मेड़ा बुजुर्ग मेड़े जेड़े अबो जात है वो शकीन है। अच्छा। मैं दिल च मेड़े च भी एक मतलब है कसराई आई है, भाई यार पैरों की याद ताजी कर। वाह जी वाह। मारवा की शौक नू अगा वधाई, मतलब है विच वक्त ऐसा गुजरिया ब लोग जमीन आरे पल बह गए, साढ़ा इतना रकबा ने आया, असा रकबा ये मुल ना लिया। ते उस तो बाद जनाब मैं जो दान आंदा, मेरा एक चाचा जूंदा है मोहम्मद खान। सही है। दान जो आंदा मैं उस किकर दे नाल आण का बदा। सही है। ते मैं अपने चाचे नू बुला के ले आया, ब चाचा दान जड़ा मतलब है मैं थोड़ी याद ताजी करने वास्ते दान ले आंदा। चाचा मेरा आया वो वेख है उदा रूह बड़ा खुश होया, उस आख्या भाई यार जने तो बहु है होर भी नजरिए पता नहीं ख्याल आया बा मैं पेरें दी याद ताजी करा। वाह। अच्छा, दांदे दा चलो ना रखे वे ना, तुसा इदा ना जेड़ा रखिया वो किस वजह तो ना रखे ने, ना भी दस दियो भाई की ना रखे गया तुसा? ना जनाब वो साडे ग्रां अगे दांद है उना दा ना उना रखे है परिंदा। अच्छा, समझाइया। उस तो बाद जनाब मैं दान लिया, मैडा एक मतलब है बिरा है शेरबाज नास, मैडा बजुर्गों के सके मसेर का पुत्र है। ते मैं उसू सद्या बिरो गल ही है बा अगे पर लाल शेरबाज असा नान आंदा तो इसका ना की रखी है? उन्हें आख्या यार रख ही नहीं अगू। मैं आख्या यार अगे साढ़े ग्रां परिंदे तो परिंदा तो कि शह गल हो बै। उस आख्या यार बादशाह। मैं आख्या बादशाह तो बादशाह। वाह जी वाह। उस तो ना जरा बादशाह उस तो ना रखा गया बादशाह। वाह। हुण दांदे दी खुराक, दांदे दी ट्रेनिंग वो सारा जरा वो असां दसो भाई की है? दांदे दी खुराक जनाब मच्छी मैड़ियां लिया रही हां, शामी दा सरकार 5 किलो दो शामी ते 5 किलो वाह 10 किलो दो सरकार दाने ला देता। वाह। दांदा जी सरकार तैयारी ओ गल्ला बणया पिया सरकार दी सरकार दी तैयारी कर। अच्छा, ओते तुसां दान बड़िया जाई वग्या, बाल वग्या, करसाली वग्या, उस तो बाद सरकार दान भिखारियां वग्या, मतलब पूरा ही धनी दा इलाका, पूरा धनी दा इलाका, मतलब है हुण दांत पिछे पड़या नहीं वाया। अच्छा, ते धनी दे इलाके ते और भी बहुत सारे माशाल्लाह मशहूर दान, सारा ही इलाका दाना दी वजह ते मशहूर है। केड़े वल जेड़ा मशहूर दाना ना होरा ना वगना रिया? बड़ा मशहूर दाना ना वग्या, बादल दाना ना वग्या, मतलब है उस तो बाद मछालिए दाना ना बजया, थाटियारे दाना ना बजया, खतरे नाल बजया, बड़े बड़े दाना ना मतलब है कठेरे दाना ना बजया। अच्छा, ते बड़े बड़े चनामी किनामी दाना ना। अच्छा, इतना दान जड़ा बग्या ते आपने वादा दे लकी दाना नाल बजया। अच्छा, बड़े बड़े दाना ना मतलब दान बड़े बड़े करा कटे बड़े बड़े दान। जिस वेले दान इतना जड़ा बगना ते जाहिर लोग दुए शौकीन आने भैया सी खरीदा, कितना कितना मुल पिया, मुल दे पिया हो सी दाने दा? मुल पहला जड़ा दान मैं
हाली किया ना पहला पिंड मारा 7 लाख रुपया अमन आवाज मंगवाली है भैया। उस तो बाद सरकार वो 12 लाख रुपया मतलब है कसाला ना बंदा उस लाया तो पिछो नहीं पिछो बाद सरकार 16 भी लगा 20 भी लगा 22 भी लगा 25 भी लगा 3 लाख रुपया की सच्ची दादा था आज तो तकरीबन 5-6 साल पहला लगा। वाह शौक कह जाओ ना जे 3 लाख रुपया दांदे दा लग्या लेकिन इन्हें आख्या भी मैं अपना शौक रखे सा मैं अपना दांद रखे सा मां पैसे ना गरज नहीं मां अपना शौक अजीज है जेड़ा मैं अपने अबाओ इजदाज तो गेदा मैं वह शौक गिन के अगर वैसा मैं शौक रखे सा। दाना तो इलावा भी राजा अकरम रांद कोल काफ़ी सारे डंगर हैं मझां गावं बकरियां भैंसा किसी चीज़ की अलहमदुल्ला ना को कमी नहीं। तो मिलने हैं स्वर्ण नाल एक अगली वीडियो में इसी तरह की एक स्टोरी लेके तुसां कोई स्टोरी आई है तो इतने साडा इंस्टा का लिंक आना पियो सी असां इंस्टा ते सेंड करो असी उस स्टोरी इंशाल्लाह जरूर आवाम तक पहुँचासा। तो सब तो ज़्यादा शुक्रिया भाई इमरान भाई का ते इन राजा अकरम साहब का ते इन्हां दे बेटियां दा तावन वास्ते बहुत शुक्रिया अल्लाह हाफिज़।